नमस्ते, आपका मेरे चैनल आरवी क्रिएशन में स्वागत है। आज मैं ये रॉयल हेम्प फूट जो होता है वो उसके बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे यूज करते हैं। तो ये मेरी साड़ी है, इसमें मैं पिको करके बताऊँगी कि किस तरह से पिको किया जाता है। तो इसका यूज हम साड़ी के जो किनारा होता है उसको मोड़ने में करते हैं और दुपट्टे में भी हम इसका यूज करते हैं। तो मैं इसके यूज के बारे में आज बताती हूँ आपको। मैं अभी इसके किनारा जो है उसे मैं खोल लेती हूँ और फिर इसे अच्छी तरह से देख लेती हूँ कि ये हमारा कहीं तिरछा तो नहीं है। कहीं कभी कभी हमारा तिरछा रहता है, इसलिए उसे कट करके सीधा कर लेना है। इसमें मेरा ये बिल्कुल ही सीधा है, बस थोड़े थोड़े धागे निकले हुए हैं, तो मैं इसे कट करके बाहर निकाल देती हूँ इसे। अब मैं मशीन में सेटिंग की तरफ चलती हूँ। तो ये मेरा ऊषा का वंडर स्टिच है। इसमें जो है हम सी पे जाएंगे, स्टिच पे, वो हमारा जिगजैग होता है। तो इसे मैं मैक्सिमम पे नहीं रखूँगी बल्कि बीच में ही रखूँगी, मीडियम स्टिच पे रखूँगी। और फिर हमारा जो स्टिच लेंथ है वो भी हम 2 और 3 के बीच में ही में रखना है, ताकि वो हमारा जो स्टिच लेंथ है वो ज़्यादा ना हो। अब मैं इसमें फूट सेट कर लेती हूँ। ये हमारा रॉयल हेम फूट है, इसे रॉयल हेम फूट कहते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे इसे कर लेती हूँ फिक्स। अब हमें यहाँ सबसे पहले इसे थोड़ा सा नॉर्मल जैसा हम लोग जिगजैग करते हैं वैसा करना है सिलाई, और इसके बाद हमें यहाँ निकाल लेना है। और फिर अब हमें इसे रोल करते हुए इसमें फंसाना है इस तरह से, और हमें फिंगर भी यहाँ पे रखना है रोल करके इस तरह से फंसा के। फिर हमें यहाँ पे फिंगर रखना है इस तरह से, ताकि वो हमारा अच्छी तरह से पिको होते जाए मशीन में। तो इस तरह ही हमें उंगली यहाँ पे रखते हुए करते जाना है। तो ये देखिए, ये हमारा पिको हो गया है साड़ी में, देखिए। तो इस तरह से मैं पूरा इसे कंप्लीट कर लेती हूँ करके। ये देखिए, इस तरह से हमारा साड़ी में हो चुका है पिको। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।